अच्छा बताइए, आप खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं? कुछ मीठा हो जाए, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मीठा आपके अंदर जाकर क्या क्या करता है? और ये जानने के लिए चूहों पर एक प्रयोग किया गया। उन्हें 3 से 4 दिन तक चीनी का घोल पिलाया गया और जो हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चूहे पहले से ज़्यादा रेस्टलेस यानी कि बेचैन रहने लगे, बिंज ईटिंग करने लगे यानी कि अपनी लिमिट से ज़्यादा खाने लगे और पहले से 4 गुना ज़्यादा चीनी के घोल को पीने लगे। और ये सेम सिम्टम एक आदमी में तब आते हैं जब वो ड्रग लेता है। तो आप इन दोनों चीज़ों में कोरिलेट कर पा रहे होंगे। और रिसर्च से ये भी प्रूव हो चुका है कि सफ़ेद चीनी कोकेन से ज़्यादा खतरनाक है। तो जब ये आपके अंदर जाती है तो एक अजीब सी स्थिति पैदा कर देती है। तो जहाँ ये एक तरफ आपके रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करती है यानी कि आपके दिमाग से डोपामीन यानी कि हैप्पीनेस हार्मोन को रिलीज करती है, वहीं दूसरी ओर कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज होता है। इसलिए आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आपको कितना खाना है, कहाँ रुकना है। और इतना ही नहीं, ये आपकी याददाश्त को कम करता है, आप में मोटापे को बढ़ाता है, आपके चेहरे पर डलनेस, झाइयां, पिंपल और आप में एजिंग यानी कि बुढ़ापे को भी जल्दी लाता है, आपकी इम्यूनिटी को खा जाता है। अब क्योंकि ये एम्प्टी कैलोरी है यानी कि इसमें कोई विटामिन कोई मिनरल नहीं पाया जाता, तो जब आप इसे खाते हैं तो इससे आपको सिर्फ और सिर्फ कैलोरी मिलती है, मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज, कैंसर और हार्ट से रिलेटेड कई सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या करें? क्या मीठे को अपने जीवन से उठाकर हमेशा के लिए फेंक दें? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ 3 चीजें ध्यान में रखनी है, चेक, कंट्रोल और रिप्लेस। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप हर रोज कितनी शुगर लेते हो। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अनुसार आपको एक दिन में 50 ग्राम यानी कि 10 चम्मच से ज्यादा चीनी नहीं लेनी है। तो आप कहोगे कि मैं तो इससे बहुत कम लेता हूँ। जी हाँ, लेकिन इससे 10 गुना ज्यादा चीनी आपके अंदर हर रोज जाती है। तो आप जितनी भी चीज़ें हर रोज लेते हैं क्या आप उनके पैकेट पर जो कुछ भी लिखा रहता है उसे पढ़ते हैं कि उसमें कितना शुगर कंटेंट है, कि उसमें कितनी चीनी है? तो जैसे कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल में 80 ग्राम चीनी होती है, बिस्किट के इस पैकेट में 45 ग्राम चीनी होती है, टोमेटो केचप के इस बॉटल में 52 ग्राम, चॉकलेट के इस पैकेट में 83 ग्राम और प्रोटीन का ये बार जिसे आप बहुत हेल्दी मानते हैं इसमें 10 ग्राम चीनी होती है। और इतना ही नहीं, ये सारे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां आपके साथ गेम खेल रही हैं। ये अपने प्रोडक्ट के लेबल पर डायरेक्ट शुगर ना लिखकर ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, मेल्टोज, डेक्सट्रोज, स्टार्च, कॉर्न सिरप लिखती हैं। और ये सारी चीजें शुगर के अवतार हैं। और इतना ही नहीं, कई सारी कंपनियां आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे फॉस्फोरिक एसिड, एस्पार्टेम जो कि शुगर से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है, ये सब यूज कर रहा है। तो आज से ही कोई भी चीज यूज करने से पहले आप उसके लेबल को पढ़ें और देखें कि उसमें कितनी शुगर कंटेंट है। फिर दूसरा आता है कंट्रोल। अब क्योंकि चीनी हमारी डाइट, हमारे कल्चर और यहाँ तक कि हमारे त्योहारों में भी इस तरीके से घुस चुकी है कि इसे 100% रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या करें? जब भी आप लिमिट से ज़्यादा चीनी यानी कि 50 ग्राम से ज़्यादा चीनी खाते हैं तो इस चीनी को हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, तो फिर क्या करें? एक्सरसाइज, वर्कआउट। जैसे अगर आप हर रोज़ 60 कैलोरी लेते हैं तो इसे पचाने के लिए आपको हर रोज़ 3000 से 4000 कदम पैदल चलना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका शरीर इसे पचा पाता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और हर रोज़ अपनी लिमिट यानी कि 50 ग्राम से ज़्यादा चीनी खाते रहते हैं तो आपके शरीर को नहीं समझ आता है इस एक्स्ट्रा शुगर का क्या करना है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को सिक्रेट करती है और आपके शुगर को फैट के रूप में स्टोर करना शुरू करती है। अब क्योंकि आपको इसकी आदत लग जाती है तो जब आप हर रोज़ लगातार इस तरीके से एक्स्ट्रा शुगर लेते हैं तो आपको डायबिटीज़ होने लगता है। अब क्योंकि कैंसर सेल को बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शुगर चाहिए तो आप में कैंसर और हार्ट से रिलेटेड कई सारी समस्याएं होने लगती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं और 13 करोड़ से ज़्यादा लोग प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं। तो आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, हम खुद को किस खतरे की तरफ धकेल रहे हैं। तो अभी भी समय है, संभल जाइए, इस चीनी को अपने जीवन से उखाड़ कर फेंक दीजिए। और इसका बेस्ट रिप्लेसमेंट है गुड़, धागा मिश्री
और देसी खान, क्योंकि जो गुड़ होता है उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन B1, विटामिन B6 ये सब कुछ पाया जाता है। जबकि आप जानते हैं चीनी में कैलोरी के सिवा कुछ नहीं होता है। फिर है धागा मिश्री, वैसे तो ये उसी प्रोसेस से बनती है जिससे चीनी बनती है। जैसे गन्ने से रस निकालते हैं तो फिर उससे गुड़ बनता है, गुड़ से शक्कर बनती है, और फिर जब चीनी बनती है तो चीनी को कई केमिकल से प्रोसेस किया जाता है, कई हार्मफुल केमिकल से ब्लीच किया जाता है, तब चीनी बनती है। धागा मिश्री शक्कर के बाद और चीनी बनने से पहले की स्टेज है, यानी कि इसमें कोई खतरनाक केमिकल नहीं होता है। फिर आता है देसी खांड, तो देसी खांड को प्रोसेस करने के लिए गाय का दूध लगता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आप इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके चीनी को, इस जहर को अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंक सकते हैं। इसलिए स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में मिठास को हमेशा हमेशा बनाए रखने के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है।